वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते मंगलवार को रेलवे स्टेशन से देर शाम अबोध बच्ची उम्र 20 दिन के हुए अपहरण मामले में पुलिस ने कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही अबोध बच्ची कुमकुम को सकुशल बरामद कर लिया गया। शाहगंज थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में अपहरण में शामिल कुल 6 लोगों को मुखबिर की सूचना और सर्वेलांस के सहयोग से रेलवे स्टेशन और करेला बाग से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपहरण हुई बच्ची को कुशलतापूर्वक बरामद कर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। गौरतलब है कि सरिता कनौजिया को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसके भाई कमल कनौजिया और मां मीरा सभी ने मिलकर उसके पति सोनू कनौजिया को यह कहा कि सरिता गर्भवती हो गई है और 24 नवंबर को उसे पुत्री पैदा हुई है। पूर्व योजना के तहत इन सभी ने अनु नामक आशा के सहयोग से अंकित, आफरीन और पूजा के संपर्क में किया। अंकित ने 20 दिन पूर्व डफरीन अस्पताल में पैदा हुई अबोध बच्ची के मां एवं पिता के आसपास संबंध बनाकर आने जाने लगे और 24 नवंबर को रेलवे स्टेशन के गेट पर नंबर 3 के पास बच्चे को खिलाने के बहाने अपहरण कर लिया और कुल 40,000 देकर कनौजिया परिवार को वह बेच दी थी। आपको बता दें कि अंकित, आरिफ और पूजा के साथ अन्य लोग रेलवे स्टेशन और अस्पताल के आसपास टहलते रहते हैं। फिलहाल अबोध बच्ची को कुछ सकुशल बरामद कर पुलिस उसके माता पिता को सौंप दी है। साथ ही घटना में शामिल कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आइए सुनाते हैं दिनेश कुमार सिंह, एसपी सिटी प्रयागराज ने क्या कहा। 24 तारीख की शाम को 8:30 बजे एक 20 दिन की नवजात बच्ची, जिसका स्टेशन के सामने ही जिसके फादर रिक्शा चलाते थे, वहाँ से उसके अपहरण कर लिया गया। थोड़ी देर आरंभिक जानकारी के बाद मालूम चला कि एक लड़का के फोटो आई, फिर उसके लीड पे काम किया गया तो पहचान हो पाई कि एक व्यक्ति था जो स्टेशन के आसपास ही रहता था, वो उठा के ले जा रहा है। पूरी हमारी ब्रजेश सिंह की सर्विलांस टीम, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब, पूरी टीम लगी और उसे 2 दिन के अंदर ही बरामद कर लिया गया। मालूम चला इसमें कि एक दंपत्ति जिसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, वो बहुत परेशान थी महिला इस इशू से लेकर कि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, शादी के 8 साल हो गए थे। इसी वजह से इसने ताना बुना एक कालविन अस्पताल में काम करने वाली आशा जो वहाँ पर काम करती उसके संपर्क में आए, तो वो फिर ये 20 दिन तक जब डिलीवरी हो रही थी तो वहाँ भी कोशिश की गई थी कि इनको बच्चे को हैंडओवर करा दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर ये स्टेशन से 20 दिन बाद ये घटना हुई। इसमें शामिल हैं स्टेशन पे 2 रहने वाली वहीं पे मांगने खाने वाली महिलाएं भी, और ये जो महिला है जिसको बच्चा चाहिए, ये इसकी माँ और इसके भाई कमल, ये सारे लोग शामिल थे। इनमें से आज 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बच्ची को बरामद कर लिया गया है और एक व्यक्ति जो उसमें शामिल घटना जिसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास चल रहा है। पूछताछ पर इन लोगों ने यही बताया कि यद्यपि पहले भी कुछ दंपत्ति जो स्वेच्छा से, जिनके वे गरीब थे और बच्चे ज़्यादा थे, उसको हैंडओवर किया, बट इन्होंने बता नहीं पाए कि आखिर वो दंपत्ति कौन थे और जिन्होंने लिया वो कौन थे। हम उस बिंदु पे भी अभी लगातार जानकारी करेंगे और स्टेशन के आसपास की अभी अतीत में कोई घटना ऐसी नहीं आई है, फिर भी जो इनकी एक्टिविटी थी बहुत ही जघन्य अपराध की थी और इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके सभी को जेल भेजा जा रहा है। सर, ये अपने पति से ये बात छुपाई हुई थी और किस तरीके से पति को ये पता चला, क्योंकि ये भी प्रकरण सामने आया कि बात छुपा के रखी थी। जो महिला जो बच्चा चाह रही थी वो अपने पति से इस बात को छिपा रखी थी कि वो बच्चा इस तरह से प्राप्त की है। पति को बराबर पिछले 9 महीनों से ही बता रही थी मायके में रह करके कि वो प्रेग्नेंट है, और जब भी पति वहाँ पर जाता तो वो इस तरह कुछ ड्रामा भी करती थी जिससे पति को एहसास हो जाए कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए पति इस पूरे प्रकरण में अनभिज्ञ था, ये पूरे घटनाक्रम में, और निर्दोष भी हो। सर, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद और कहा गया है कि चेकिंग होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।